सीमांचल के लोग हो जाए सावधान, जल्द ठंड देगी दस्तक, इतने डिग्री नीचे जाएगा पारा। सीमांचल के लोग निकालना शुरू कर दें रजाई, अब गर्मी की हो जाएगी विदाई। अलाव का कर लें व्यवस्था, क्योंकि अगले एक सप्ताह में 20 डिग्री से नीचे जा सकता है तापमान। कोसी सीमांचल में पड़ती है कड़ाके की ठंड, पछुआ हवा सिरहन कोहरा करेगी परेशान। जी हाँ, कोसी सीमांचल में ठंड की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, तो वहीं सीमांचल के लोगों को गर्मी से अब पूरी तरीके से राहत होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्णिया मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी राकेश कुमार कहते हैं कि मानसून वापस जा रहा है। मानसून अभी किशनगंज से होते हुए जा रहा है, जहाँ अगले 24 से 48 घंटे में मानसून पूरी तरीके से वापस चला जाएगा। जहाँ अगले 24 घंटे में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, जब पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश के कारण जिसके कारण दिन भर बादल छाए रहे, या कुछ कुछ जगह पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी बनी हुई थी, या इस कारण न्यूनतम तापमान में पिछले एक सप्ताह से गिरावट हो रहा है। अभी न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जहां उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में 20 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। आपको बता दें कि 5 से 6 दिन में ठंड की उम्मीद है, कोहरा भी रहेगा। सुबह के समय में आर्द्रता 100% रहेगा और फिर धुंध बनी रहेगी। आने वाले समय में हिमालय के तलहटी जिले किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया में भी धुंध भी बढ़ेगी। जहाँ हल्की स्तर पर कोहरा भी अगले 4-5 दिनों में पूरी तरीके से गिरने की संभावना है। जब कोहरे के कारण ठंड भी बढ़ती जाएगी और फिर न्यूनतम तापमान दिनों दिन गिरावट होता जाएगा। या कुहासा और फिर पूर्वी हवा चलने के कारण पश्चिमी बिहार का असर यहां तक आया है, तो फिर अचानक ठंड गिरेगी। या नवरात्र के आखिरी समय तक ठंड की एंट्री हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि इस बार कोसी और सीमांचल के इन क्षेत्र में ठंड सामान्य रूप से रहेगी, बहुत जल्द ठंडक दस्तक दे रही है। जहाँ समय के साथ ही ठंड आने वाली है, इस बीच में अभी हवा का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन धुंध और कोहरे के हाल के स्तर और फिर कुहासा की पूरी संभावना है। दोस्तों, आज का न्यूज बस है, तो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी है, खुशखबरी है कि KDB लाइव का ऐप बहुत जल्द आने वाला है। अभी इसकी टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है। इस ऐप में आप न्यूज को न्यूज वीडियो या देख सकते हैं और बाकी न्यूज पढ़ सकते हैं, यानी कि इस वीडियो में वीडियो के द्वारा भी न्यूज दिया जाएगा और टेक्स्ट आर्टिकल के द्वारा भी न्यूज़ शेयर किया जाएगा। यही नहीं, आप खुद से भी इस ऐप पर न्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं और अपना राय भी रख सकते हैं। यानी कि कोई भी मुद्दा होता है, क्षेत्र से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, सामाजिक से जुड़ी हुई, तो आप इस ऐप में बेधड़क अपना राय रख सकते हैं फोटो के साथ, और लिख करके भी राय रख सकते हैं, वीडियो के द्वारा भी राय रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस ऐप में अपना अकाउंट बना सकते हैं, एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधा दी गई है। अभी इस ऐप की टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है और इस ऐप को बहुत जल्द आप लोगों के सामने में पेश किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। अगर आप भी इस टेस्टिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8340548778, यानी कि 8340548778। इस नंबर पर आप हमको कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्टिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि KDB लाइव का जो ऐप लॉन्च होगा वो अभी टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इस ऐप में अभी कोई गड़बड़ी है क्या, यानी कि ऐप पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो चुका है और जो भी उसमें दिक्कत परेशानी आती है 1-2 महीने में, तो उसका अभी टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है। उसमें देखा जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे अभी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस ऐप में अभी इस क्या फंक्शन होना चाहिए, क्या फंक्शन नहीं होना चाहिए, किस चीज़ को हटाना चाहिए, किस चीज़ को ऐड करना चाहिए, और बाकी क्या कमी दिख रही है, क्या प्रॉब्लम दिख रही है, ऐप चलाने में क्या परेशानी आती है, वो सारा चीज़ डिटेक्ट करके जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप हमको फ़ोन करके बताइएगा। उसके बाद हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो ऐसे में आप भी हमारे KDB लाइव ऐप का, आपका अपना KDB लाइव ऐप टेस्टिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो अभी आप हमको कॉल करें और हमसे आप उस ऐप का लिंक लें व्हाट्सएप पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।